अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं चल रहा हूँ मदीने के सफ़र पे, तो चलें चलते हैं मदीने। अभी मैं हाईवे पे हूँ और ये यम्बो मदीना हाईवे है और मैं बदर से अभी जस्ट आगे निकला हूँ दोस्तों। और इस रोड की खासियत ये है कि ये नया हाईवे है और इस पर बहुत सारे कर्व्स हैं और ये पहाड़ को काट के, बिल्कुल पहाड़ों को काट के रोड बनाया गया दोस्तों। और इसके आजू बाजू बहुत सारे पुराने कदीम ज़माने के जो है गांव हैं, यहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइब्स, बहुत सारे जो कबीले जो रहते थे पहले से यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों में एक चीज़ है दोस्तों कि ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है माशाल्लाह। और इन पहाड़ों की खूबी ये है कि ये पहाड़ जो है ये गोल्डन टाइप के पहाड़ है, मतलब सुनहरा रंग है इन पहाड़ों का। और बहुत ही छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। और इन पहाड़ों से एक चीज मालूम पड़ता है कि जब जंगे बदर हुई थी तो किस तरह सहाबा मदीने से जंगे बदर तक पहुंचे थे, उन्होंने कितनी जद्दोजहद की थी, कितनी तकलीफ़ की थी, और इस्लाम को फैलाने में उनका कितना बड़ा हाथ है, कितना उनका कंट्रीब्यूशन, कितनी बड़ी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी उन्होंने पेश की। और हमें आज ये इस्लाम मिला है तो हमें इसको बड़ा संभाल के रखना है, बड़े अच्छे से रखना है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, कैमरे के सामने बिल्कुल एक बड़ा सा पहाड़ आ रहा है। मौसम बहुत खुशगवार है, जबरदस्त मौसम है माशाल्लाह। से मदीने का सफर तकरीबन दोस्तों 2 घंटे का है, 180 किलोमीटर की जर्नी है, सफर है। और हाईवे पे स्पीड जो है दोस्तों ये 120 है, क्योंकि ये बहुत कर्वी रोड है, बहुत कर्व्स है यहाँ पे, सो इसलिए हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने जो 120 का ही स्पीड रखा हुआ दोस्तों यहाँ पे। अभी मैं मौजूद हूँ दोस्तों, एक मस्जिद है
यम्बो से मदीने के रास्ते में, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बकाला है जिसका नाम है ज़ैद अल मुसाफिर। तो ज़ैद अल मुसाफिर जो है ये छोटा सा मिनी सुपरमार्केट टाइप का है जहाँ पे आप कुछ खाने पीने की अशिया से जूस पानी सा ले सकते हैं। और पीछे एक बड़ी सी मस्जिद है और ये एक ही स्टॉप ओवर है जो मदीने से यम्बो के बीच में आता है। यहाँ पर अभी मैं रुका हूँ दोस्तों। पोस्ट पार कर लिया दोस्तों और तकरीबन यहाँ से मदीना जो है अभी 15-16 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों वाकई। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मस्जिद नबी के करीब पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है मदीने की पाक सरजमीन जिस पे हम अपना कदम रख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बहुत ही आराम से कटा है, बहुत आराम से सफ़र गुजर गया दोस्तों। वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला कैसे 2 घंटे पार हुए हैं। मदीने की हसीन गलियां, हसीन वादियां और हसीन रोड, खूबसूरत रोड जिस पे कभी सहाबा इकराम और हुजूर चला करते होंगे और वो रौनक होगी। और आज भी माशाल्लाह वो रौनक है मदीने की गलियों में कि जब हम भटकेंगे या आप कभी भी आएँ कभी भी आ रहे हैं। मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया दोस्तों, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था मदीना 14-15 साल पहले, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स बिफोर मैंने एक्सपीरियंस किया। वाकई रहमत बरसती है दोस्तों मदीने की गलियों में, मदीने के सड़कों में जब आप चलेंगे तो एक रूहानी, अभी मैं बिल बोल रहा हूँ ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे एक फील आ रहा है, एक फीलिंग हो रही है अंदर से पूरे, बिल्कुल रब्बुल करीम पे अपना ईमान है। मदीने की गलियों में वो है बिल्कुल, वो खुशबू है यहाँ पर जिसने इस्लाम को पूरी दुनिया फैलाया और इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना पेश किया प्रॉफिट को कि हुजूर ने किस तरह से इंसानियत के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए कितनी अजीम कुर्बानी दे के इस दीन को आगे फैलाया जिसको हमें संभाल के और आगे लेके जाना है। और अब हम दोस्तों जा रहे हैं बिल्कुल आ चुके हैं बिल्कुल हमारे हैं स्टार्ट ऑफ हरम एरिया। यहाँ से हुदूद हरम मदीने का शुरू हो जाता है दोस्तों। और आपने मेक श्योर करना जब भी आप ड्राइविंग करें कि स्पीड लिमिट को आपने ख्याल करना, उनके हिसाब से चलाना है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 110 का है दोस्तों। रहमत की बारिश में दिनों रात नहाएंगे, मदीना जाएंगे और हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में आ चुके हैं दोस्तों।